पाकिस्तान के मरूफ गुलूकार फखर आलम इस वक्त मिशन परवाज पर हैं और रूस में मौजूद हैं, जहां वो खूब मज़े कर रहे हैं। ताहम उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर जारी करते हुए ऐसी बात कह दी है कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। फखर आलम दो दिन कबल जब रूस पहुंचे तो उनका वीज़ा दो घंटे कबल ख़त्म हो चुका था, जिस पर रूसी हुकाम ने इन्हें तहवील में ले लिया और वापस जापान जाने के लिए कहा। ताहम उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम से अपील की कि वो रूसी हुकाम से वीज़ा जारी करने के लिए दरख्वास्त करें, जिसके बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने नोटिस लिया और रूस में अपने सफीर को हदायत जारी की। फखर आलम आखिरकार वीज़ा हासिल करने में कामयाब हो गए और उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा भी किया। ताहम अब वो रूस के शहर पेट्रोपोलिक्स में मौजूद हैं, जहां वो बर्गर खाने के लिए निकले तो उन्होंने पायलट का लिबास जेब तन किया हुआ था, जिस पर उनकी छाती पर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था। फखर आलम ने कहा कि जब मैंने दुकानदार से बर्गर के लिए कहा तो उसने मेरे सीने पर बना पाकिस्तान का झंडा देख लिया और उसने मुझे बर्गर भी हरे रंग के बंद में बना कर दिया। उन्होंने कहा कि रूस के अवाम बहुत ही पुरजोश लोग हैं। Subscribe to our channel Pakilinks News. Also share and like the video.